फेडेक्स के नाम पर कुरियर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं हालात ये हैं कि फेडेक्स को लोगों को सावधान करने के लिए विज्ञापन निकालना पड़ा हाल ही में बेंगलुरु की एक महिला वकील से फेडेक्स कुरियर के नाम पर ठगों ने 15 लाख रुपए ऐंठ लिए अभद्रता उनसे की और ऐसे मामले हर जगह से सामने आ रहे हैं आज हम बताएंगे ठगों के फ्रॉड का तरीका इनसे बचने के उपाय जानेंगे आपको कैसे बचना है पहले ये रिपोर्ट देखिए उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे देश भर में जालसाज जालसाजी के नए नए तरीके अपना रहे हैं अभी तक ओ फर्जी क्यू कोड और फ्रॉड वाले लिंक भेजकर ठग अपने शिकार को चूना लगाते रहे हैं। इसके अलावा फर्जी ऑफर्स, बिजली बिल और के के नाम पर भी जालसाजी के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन अब ठगी के ये सारे हथ पुराने पड़ चुके हैं अब जालसाजों ने फ्रॉड करने का तरीका बदल दिया है अब नया तरीका है कुरियर घोटाला और ये घोटाला हो रहा है प्रतिष्ठित कंपनी फेडेक्स के नाम पर अब कंपनी ने अखबार में एक विज्ञापन दिया है और कहा है कि फेडेक्स के नाम पर लोग जालसाजी कर रहे हैं ऐसे में किसी के बहकावे में न आए फ्रॉड की शंका होने पर तुरंत साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। अब आपको बताते हैं कि फेडेक्स के नाम पर जालसाजी कैसे हो रही है दरअसल किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते हैं और खुद को एन का पुलिस अधिकारी बताते हैं वो कहते हैं कि आपके नाम से एक इंटरनेशनल पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित दवा मिली है आपको झांसे में लेने के लिए आपका आधार कार्ड या आपकी निजी जानकारी भी देते हैं ताकि आप फर्जी पुलिस वाले के भरोसे में आ जाएं। उसके बाद आपसे पूछताछ के लिए स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं बस यहीं से ठगी का खेल शुरू हो जाता है वीडियो कॉल में जासाज पुलिस की वर्दी में दिखाई देते हैं और खुद को एन का पुलिस अधिकारी बताता है वो कहता है कि नाकोटिक्स पुलिस ने आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है इस दौरान वो फर्जी पूछताछ भी करते हैं और कहते हैं कि केस से बचने के लिए जमानत के तौर पर आपको पैसे जमा कराने होंगे अगर जांच में आप बेगुना पाए जाते हैं तो आपको पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे लेकिन अगर आप पैसे नहीं भेजते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी इस दौरान आपको डराने की पूरी कोशिश की जाती है जैसे ही आप डर कर पैसे ट्रांसफर करते हैं कॉल कट जाती है और बस यहीं से आप जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। FedEx के नाम पर फ्रॉड का खेल अब भी जारी है हाल ही की कुछ घटनाओं की बात करें बेंगलुरु में एक वकील फर्जी FedEx घोटाले का शिकार हो गयी साइबर क्रिमिनल्स ने उनसे वीडियो कॉल पर 36 घंटे तक पूछताछ की ब्लैकमेल किया और कैमरे पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया इसके अलावा 15 लाख रुपए भी ऐंठ लिए बेंगलुरु में ही एक महिला पत्रकार से जालसाजों ने एक करोड़ बीस लाख रुपए की चपत लगाई उनसे भी कहा गया कि आपका FedEx के जरिए एक इंटरनेशनल कुरियर आया है जिसमें ड्रग्स मिला है पहले पूछताछ की और बाद में जमानत के नाम पर धोखाधड़ी की आप सोच रहे होंगे कि आखिर पढ़े लिखे लोग इतनी आसानी से ठगों के झांसे में कैसे आ रहे हैं तो इसे भी समझ लीजिए दरअसल स्काइप कॉल में दिखने वाला ऑफिस बिल्कुल एनसीबी की ऑफिस की तरह ही दिखता है पुलिस अधिकारी भी असली दिखते हैं। यानी भ्रम का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिससे आपको डराया जा सके अब सवाल उठता है कि इन जालसाजों से कैसे बचें? तो इसे भी समझ लीजिए अगर कोई अनजान कॉल आए तो पहले उसे इग्नोर करें डरे नहीं पुलिस को इस तरह की कॉल की जानकारी दें। ऐसा कर आप जालसाजों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं साथ ही पुलिस को इन पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आइए इस पर चर्चा करते हैं चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ दीपिका सिंह जुड़ गई हैं। साइबर एक्सपर्ट हैं जाने मानी और सीईओ हैं डीप साइट्स की बहुत बहुत स्वागत है दीपिका हमारे शो पर आपका और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी दीपिका ये मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं लास्ट टाइम आपकी और हमारी बातचीत हुई थी इतना अंदाज़ा नहीं था हमें लगा कि जैसे जैसे अवेयरनेस इस पर बढ़ेगी वैसे वैसे आ, लोग कम शिकार होंगे लेकिन बीते 24 से 48 घंटे में ही दो बड़े केस सामने आए हैं एक तो जो बेंगलुरु में जो वकील महिला थी उनके साथ अभद्रता भी की गई पंद्रह लाख रुपये भी लूट लिए और दिल्ली में एक डॉक्टर के साथ भी इसी तरह का पांच लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है ये कर कैसे ले रहे हैं और लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं समझने का अर्थ यहाँ पे है कि हम जो पिछले केसेस है उसका हम जांच पड़ताल करते हैं और उस पे हमें एक मोडस ऑफ रैंडी उनकी पता चलती है पर इन अपने मोडस ऑफ रैंडी में एक स्टेप ये थोड़ा हटके कर देते हैं हर बार हुँ. जब उन्हें पता चल जाता है कि ये एमओ MO या मोडिस ऑफ ब्रांडी में सारे फ्रॉड्स अभी हो गए अभी लोग इसके झांसे में नहीं आने वाले हैं वो एक या दो स्टेप मॉडिफाई कर देते हैं जहाँ पे हमने ये दो केसेस देखे कि कुरियर स्कैम से लेके आपके नाम पे एक कुरियर आया है आपको फोटोज दी जाती है फिर सी ऑफिसर्स का वेशभूषा धारण करके वो आ, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो तीन फ्रॉड्स को साथ में लेकर लिया जाता है एंड दर्शकों से ये हमें अवगत जरूर करवाना चाहिए कि जब भी कोई भी बिना रेफरेंस के आपके पास आए कि आपका कोई ऑर्डर है या कुछ वहाँ पे ही अगर शक जाया कर दिया जाए तो यह बच सकता है अभी जो केसेस हमने देखे जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए एक महिला को वैसे आपत्तिजनक फोटोज का उनका रिकॉर्डिंग हुआ प्लस उनके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया वहां पर जाने से पहले क्यों ना शक जाता है हमने ये तो हमेशा किया कि अगर कोई सरकारी एजेंसी आपको कांटेक्ट करना चाहे कि वो आपको पत्र लिखकर रेगुलेटेड ऑफिशियल चैनल्स के द्वारा ही करेगी ना कि स्काइप या जूम कॉल उनके पास उतना वक्त नहीं है पर अभी जब इम्पर्सनेशन की भी हम लोग ने यहाँ पे केसेस देखे हैं एम्पर्सनेशन में यह मेरी दरखास्त लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर से भी रही थी कि जैसे ही उनके मद्देनज़र ऐसा कोई भी प्रोफाइल आए उसको प्लीज टेक डाउन करें क्योंकि रियलिटी एंड वर्चुअलिटी में जो अंतर घटते जा रहा है यह दर्शकों के लिए यूजर्स के लिए टेस uh, के लिए बिकॉज हमने ये देखा है कि जरूरी नहीं कि अगर किसी को टेक का नॉलेज ना हो टेक hmm. का नॉलेज होते हुए भी वो यहाँ फंस रहे हैं तो इन कुछ चीजों को हम एंड टू एंड अगर देखें और एनालाइज करें एंड दूसरा है रिगार्डिंग आवर पैकेजेस यहाँ पे मैं बहुत एक छोटी सी बात जो आपको अभी छोटी लगे पर जो आपके पैकेजेस के ऊपर वो लेबल आते हैं उसमें आपका डबल आइडेंटिफिकेशन है कभी कभी ट्रिपल आइडेंटिफिकेशन भी होता है नेम एड्रेस टू द एग्जैक्ट पिन कोड एग्जैक्ट स्ट्रीट एग्जैक्ट फ्लैट नंबर मोबाइल नंबर्स और हम क्या करते हैं हमारा पैकेज का जो वस्तु है अपने पास रख के पैकेज एंड लेबल को ऐसे ही कूड़ेदान में जाने देते हैं विदाउट इवन डिसअसेंबलिंग इट वहां पे तो आपके मोबाइल ईमेल सब कुछ उनको मिल गया hmm. और अगर किसी को एक बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को फसाना है उनको सिर्फ इतना कि मैं, मैं इस पर ये बहुत है क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ऑपरेंडीज uh, लगातार बदल रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जालसाजी का शिकार हो रहे हैं और छत्तीस छत्तीस घंटे की पूछताछ सत्तर सत्तर घंटे की पूछताछ तीन तीन चार चार घंटे की पूछताछ में ये इतना मजबूर कर देते हैं किसी व्यक्ति को कि वो न सिर्फ पैसा ट्रांसफर करता है बल्कि इनकी बातों में आकर ये भी मान लेता है कि हाँ उससे कोई बड़ी भूल हो गई है ये कुछ बड़ा हो रहा है साइकोलॉजिकल गेम्स किए जा रहे हैं मैनिपुलेशन चल रहे हैं प्रोफाइलिंग हो रही है और इन लोगों को सब कुछ पता है इतना भयानक मैनिपुलेशन वन हो नहीं सकता तो कोई भी आ, चूक ना करें आप सतर्कता में ये हमारी गुजारिश बहरहाल विराग जी अब फेडेक्स ने आज विज्ञापन जारी करके कहा है कि साहब ये हमारे नाम पर बड़े फ्रॉड हो रहे हैं तो आप सतर्क रहें अब कंपनी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है तो कंपनी ने विज्ञापन दे दिया जिसके जो जिससे फ्रॉड हुआ उसने दिलेरी दिखाई मीडिया में बता दिया तो चीज़ें रिपोर्ट हो गई लेकिन जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं हमारी सरकारें हमारा पुलिस का तंत्र है हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं कुछ हो पा रहा है इनसे या नहीं हो पा रहा है सर दीपक जी सबसे पहले तो मैं आपकी बात पर तारीफ करूंगा कि मुझे लग रहा है कि देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो साइबर अपराधों के बारे में पूरी गंभीरता से चर्चा कराते हैं उसके परिणाम भी निकलते हैं आज की मैं खबर देख रहा था कि सौ सरकार अगले सौ दिनों का जो कार्यक्रम बना रही है उसमें एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी और कॉलर आईडी के बारे में साइबर अपराधों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है और ये भी कहा गया है कि पिछले साल 1.3 करोड़ सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र, पत्र में साइबर सिक्योरिटी को जगह दी है विराग जी ये भी आप उपलब्धि मानिए कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कोर्स में आया ये मुद्दा हाँ लेकिन लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है बिल्कुल इसको जैसे हम कोरोना के हम महामारी से जूझ रहे थे इस तरह से साइबर अपराधों की महामारी से पूरा समाज जूझ रहा है कोरोना की वैक्सीन तो थी लेकिन साइबर अपराधों की नहीं ही वैक्सीन दिख रही है नहीं ही दवा दिख रही है और उसके मैं आपको तीन पहलू ये जो आप जिस अभी संगठित अपराध की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं पहले नंबर पर ये जितने अपराध की प्रोफाइलिंग अभी तक रिपोर्टेड है वो सारे समाज के सबसे सम्भ्रांत पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं पत्रकार डॉक्टर और वकील उन लोगों के साथ ये घटनाक्रम हुआ है इसलिए इसको अनदेखी नहीं करनी चाहिए पहली बात दूसरी बात अभी दीपिका जी ने बोला कि हम पैकेट्स को फेंक देते हैं और उसमें से लोग पते निकाल लेते हैं निश्चित तौर पर वो हो सकता है कि कुछ मामलों में सही हो लेकिन इस संगठित अपराध के पीछे ठेके में चल रही डिजिटल अर्थव्यवस्था है ठेके में चल रही डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब ये जितनी कंपनियां हैं जितनी भी कॉमर्स e कंपनियां हैं जितनी भी कुरियर कंपनियां हैं इनके एम्प्लाइज़ का कोई भी संगठित रिकॉर्ड नहीं है जिनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं आज एक है कल दूसरा है परसों तीसरा है लेकिन उनके पास हमारे सारे विवरण हैं हमारा मोबाइल उनके पास नंबर है हमारी ईमेल आईडी है हमारा पता है हमारा आधार है और हमारे मोबाइल नंबर की वजह से डी पी आई डी है और उन्हें सारी बातें पता हैं और वो लोग कंपनियां इधर बदलते हैं उधर बदलते हैं और वो दस बीस पच्चीस हजार रुपये महीने में काम करने वाले लोग कब अपराध के दायरे में आ जाते हैं ये पता नहीं चलती बात दूसरी बात है तीसरी बात हम बार बार जागरूकता की बात करके अपराधों की गंभीरता को कम करते हैं हो सकता है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स फेल हो रहे हो अपराध को रोकने में हो सकता है आई फेल हो रहे हों हो सकता है पुलिस और जांच एजेंसियाँ फेल हो रही हैं लेकिन ये बात किसी भी सामान्य व्यक्ति के ए, समझ से परे है कि पंद्रह लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया बैंकिंग सिस्टम से हो गया और हम चौबीसों घंटे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मीडिया में छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं लेकिन आज तक कोई भी बड़ा डिजिटल अपराधी को हमारी पुलिस ने ट्रैक नहीं किया हम सिर्फ वन नाइन थ्री जीरो की बात करते हैं और बोलते हैं कि पैसे आपके पास आ जाएंगे लेकिन इतनी बड़ी हमारी पुलिस सिस्टम है जब हम चोरी हुई कारों को वी लेवल पर हम जा के तुरंत उनको पकड़ लेते हैं लेकिन बैंकिंग सिस्टम से पंद्रह लाख रुपए गए हैं क्या हमारी केवा फेल हो रही है क्या ऑनलाइन बैंकिंग फेल हो रही है इस बात पर मुझे लगता है कि रिज़र्व बैंक को पुलिस को और मैं फिर इस बात को बोलता हूं जो मेरी किताब में डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत पुस्तक में लिखा गया है कि जब तक हम साइबर अपराधों को एक सम्वरती सूची में नहीं लाएंगे तब तक इस अपराध से मुक्ति मिलना मुश्किल है क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों का पालन साइबर जो पुलिस करती है राज्यों की पुलिस करती है उनके पास इसके बारे में कोई भी कानूनी या संवैधानिक का अधिकार हासिल नहीं है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है विराग जी और वाकई में जो सबसे जागरूक श्रेणी कही जाती है नागरिकों की वो पत्रकार वकील और डॉक्टर्स ये तीनों के तीनों इस मामले में शिकार हुए हैं आप पंद्रह लाख की बात कर रहे हैं जो पत्रकार म, म, महिला थी उनसे तो करोड़ों की धांधली हुई और अलग अलग लेवल पे उनसे इतने सारे पैसे वसूले गए ये पूरा सिस्टम ट्रैक नहीं हो रहा है क्या क्या हवा नहीं लग पा रही है जांच एजेंसियों को दीपिका जी थोड़ा आप बताइए कि ये ये स्थिति क्यों है आप स्काइप कॉल कर रहे हैं आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं आप कस्टम अधिकारियों की झूठी आइडेंटिटी के साथ कॉल कर रहे हैं आप पुलिस ऑफिसर्स की झूठी आइडेंटिटी के साथ कॉल कर रहे हैं आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं क्या हमारा डिजिटल सिस्टम जो जो विराग जी कह रहे हैं इतना चरमराया हुआ है या उसमें इतने लूपहोल्स हैं कि कोई भी बंदूक की नोक पर पैसे की उगाही कर ले रहा है ऑनलाइन डिजिटली जी जी दीपक जी जब यहां आती है ट्रैकिंग की बात तो ट्रैकिंग में यहां पे कई पहलू होते हैं फिजिकल या इन पर्सन क्राइम्स में होता था कि कोई आया उसने अपराध किया और वह चले गया पर यहां पे एक एंटिटी नहीं है कुछ डिजिटल uh, ट्रांजेक्शन में पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड बैंक विद्रॉ किया जाता है इसमें कई पहलू आते हैं इनफैक्ट पेमेंट और ने यह भी बताया है कि एक ट्रांजेक्शन होने को मिनिमम 16 एपीआई या 16 कंप्यूटर प्रोग्राम्स का चलन होता है hmm. और उसमें वेरीफाई कर पाना कौन सा लेजिट ट्रांजेक्शन है कौन सा नहीं ये अभी वह सीख रहे हैं यहाँ पे पहला मुद्दा आता है कि पैसे यहाँ कहा जाते हैं क्या वो पैसे को आप हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करके रिवोक नहीं करवा सकते जो जो फॉर्म भरवाते हैं यूजर से वहां पे जैसे ही आता है कि यूजर गे ओटीपी बैंकिंग इंश्योरेंस बाहर फिर आता है अकाउंट फ्रीजिंग अकाउंट फ्रीजिंग तब भी हेल्प करता है अगर अकाउंट से पैसे नहीं जाते हैं जो कि जितने भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वे सब मनी म्यूल की तकनीक से ये जाते हैं मनी म्यूल्स क्या होता है इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपके लिए म्यूल का, का काम करे आपके लिए ट्रांजेक्शन कलेक्ट करे और फिर आपका एक कमीशन लेके आपको सारे फिरौती के पैसे दे दे इन आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम और दूसरा होता है इन मनी म्यूल्स की सोशल प्रोफाइलिंग होती है कि किस तरीके के लोग इस पे आना पसंद करेंगे और ये दी, बट दीपिका आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मेरा सवाल सिंपल ये है हमारी पुलिस कर क्या रही है उनको मालूम है कि म्यूल्स के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको मॉडर्स ऑपरेंडी मालूम है जी. मेरा सिंपल सा एक सवाल ये है कि क्या हम सिचुएशन की गंभीरता को उतना समझ पा रहे हैं क्या हम प्रोएक्टिवली उतना हम अपने आप को इक्विप अपने आप को ट्रेन कर पा रहे हैं जहां इनकी सोच है जी। वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम इनके सामने हमारा कद इतना छोटा साबित हो रहा है कि एक तरह से यह हमारे नागरिकों की जान माल का नुकसान तो कर रहे हैं ऊपर से हंस रहे हैं इस पूरी व्यवस्था पर हंसा जा रहा है क्या जहाँ तक प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेशन की बात आती है दीपक जी जो हमारे क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स आउटलाइन किए गए हैं, वो हमारे साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए अब तक लेवल पे नहीं है hmm. क्योंकि साइबर इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव अप्रोच की जरूरत है ना कि एक क्यूरेटिव अप्रोच की जहाँ पे एविडेंसेस यहाँ सब मिल जाते हैं वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम टू बैक एंड दूसरा है जो मैंने प्रिडिक्टि पुलिसिंग की बात की थी वो मॉड्यूल्स अभी इंडिया में पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी एक रिएक्टिव अप्रोच लगी जा रही है फ्रॉड होने के बाद ही लोग थोड़े जागरूक होते हैं फिर दो तीन खबर पढ़ के भूल जाते हैं और आ, दूसरा जब आता है कि नए नए फ्रॉड्स उसका एक भी रिपोर्टिटरी नहीं आ रही है अभी आ, सर एडवोकेट सर एक रिसर्च करेंगे हम एक रिसर्च करेंगे आप एक खबर करेंगे सिंगल डिपोजिटिव जहाँ पे कोई भी आम यूजर जाके देख सके कि पिछले हफ्ते कौन सा फ्रॉड हुआ हम सिर्फ न्यूज में देखते हैं फ्लैश ऑफ अ सेकंड में भूल भी जाते हैं hmm. अब यही फ्रॉड के आगे अगर मैं लगा कि वेरीफाइड uh, एजेंसी वाला कुरियर का पर्सन आपको मोबाइल फोन दे दे और बोले आप इसमें, इसमें, इसमें अपने आपने सही बोला इसमें होगा क्या विराग जी इसमें होगा क्या इसमें जिसे कहते हैं ना कैजुअल भाषा में टोपी ट्रांसफर करना अब आप बैंक के पास जाएंगे अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो पहले पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस पहले आप तो पढ़े लिखे हैं साहब आप कैसे इसके जालसाजी में फंस गए आपको तो जानकारी रखनी चाहिए थी अब आप बैंक के पास जाएंगे बैंक बोलेगा साहब आपने जिस भी तरीके से दिया ओ तो आपने ही दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उसके बाद आपके पास आएंगे तो आप भी देखेंगे कि भाई कानून कहाँ कानून सम्मत क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं कहाँ नहीं हो सकती हैं पता चलेगा कि देश में कानून ही नहीं है कहने का मतलब ये है कि हर जगह टोपी ट्रांसफ़र का खेल चलता रहेगा और कमाल की बात यह है कि इस गंभीरता को हर कोई जान रहा है अगले सौ दिन के कार्यक्रम में सरकार अगर ये कह रही है कि अगर हम आए तो उसको तुरंत लागू करेंगे इसका मतलब यह है कि वो गंभीरता को समझ रहे हैं अगर मैनिफेस्टोज में ये मुद्दा आ रहा है इसका मतलब यह है कि गंभीरता को समझा जा रहा है लेकिन यह गंभीरता को कागजी तौर पर समझना और रियलिटी में कुछ कार्रवाई करना इसमें तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर नजर आता है विराग जी देखिए दीपक जी बिजनेस चैनल है उसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ विदेशी निवेशकों के लिए एफ के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होते हैं जिससे कि वो उनको सारी परमिशन तुरंत मिल जाती हैं लेकिन भारत में अगर किसी को कोई काम करना हो तो उसको 50 60 70 जगहों पे जाना पड़ता है इसी तरीके से जो ये साइबर अपराध होते हैं उसके बहुत सारे पहलू होते हैं उसका एक पहलू टेलीकॉम है उसका एक पहलू इंटरनेट नेटवर्क है उसका एक पहलू बैंकिंग सिस्टम है उसका एक पहलू दूसरे राज्य में बैठा व्यक्ति है और ये सारे पहलुओं की समझ जानकारी जुरिस्डिक्शन इलाके के थानेदार के पास नहीं होते हैं तो वहीं से लोगों को जो, जो उसमें कहीं कोई जो अभी दीपिका जी बोल रही थी कि इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी आर वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पाती है क्योंकि मैंने पिछली बार भी अपने आपके प्रोग्राम में बताया था कि जो एन का पुराना भी पिछले साल का डेटा है उसके हिसाब से पूरे देश में सालाना साइबर अपराध हुए सिर्फ पैंसठ हजार जो एक रिजर्व बैंक का और जो 1930 का डाटा है का डेटा उसके हिसाब से कुल अपराध हुए लगभग इकतीस लाख जो हमारी एक छोटी सी रिसर्च है सिर्फ तीन चार कंपनियों की उसके हिसाब से दो साल में 213 करोड़ साल करोड़ साइबर अपराध हुए तो देश में खरबों साइबर अपराध हो रहे हैं लेकिन लोगों को ये जानकारी ही ये लोगों को भरोसा ही नहीं है सिस्टम पे अच्छा। और उसकी वजह से अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है तीन महत्वपूर्ण बातें पहली बात कि जितने लोगों आप, साथ आप, बात कंप्लीट कीजिएगा है विराग जी आप बात कंप्लीट कीजिएगा विराग जी लेकिन मुझे बताइए क्या आपको याद आ रहा है कि पिछले छह महीने साल दो साल क्योंकि मैं तो सोच रहा हूं कि शायद मति भ्रम हो गया हो मेरी द, 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 मेरी जो याददाश्त है उतनी दुरुस्त ना हो पर मैंने साल दो साल तीन साल में छ महीने में महीने दो महीने में ऐसा कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा ऐसा बड़ा कोई खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं देखा कि उन्होंने किसी गिरोह का पर्दाफाश किया हो किसी बड़े सरगना को पकड़ दिया हो हाँ कुछ पॉकेट्स हैं देश की जियोग्राफिकल पॉकेट्स जामताड़ा वगैरह वगैरह इन पे छापे पड़े सौ सौ छापे पड़े हजारों लोग पकड़े गए अब उन पर इंटेंसिटी ऑफ क्राइम कितना था आज तक वो पता नहीं चल पाया कोई एक बड़ा खुलासा भी तो नहीं हुआ जिससे हमको ये भरोसा हो सके कि भैया बात सही दिशा में जा रही है अगर आपको याद हो तो बताएं सर और तीन बातें पूरी करें देखिए आपने दीपक जी इतनी सही बात बोली है जैसे पंजाब में पाँच ग्राम दस ग्राम ड्रग्स वालों को चालान करके और लगता है कि एन डी के केस पूरे हो गए लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे जो ड्रग माफ़िया उनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होती है इसी तरीके से साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कि उसका गलत मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ उसका सिम कार्ड इस्तेमाल हुआ उसका गलत आधार नंबर इस्तेमाल किया या ठेके वाले का बैंक खाता इस्तेमाल किया गया लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर संगठित अपराध बगैर एक संगठित नेटवर्क के बगैर चल रहे हैं और उस अपराध की तीन बड़ी कड़ियाँ हैं पहला पूरे भारत में संगठित तौर पर डेटा की चोरी हो रही है डेटा की नीलामी हो रही है और ये काम बड़ी कंपनियाँ खुल्लम खुल्ला कर रही हैं जिसकी वजह से पूरी प्रोफाइलिंग हो रही है और जिसकी वजह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं आपका आधार नंबर आपका पैन कार्ड आपका एड्रेस ईमेल, बैंक अकाउंट डिटेल सारा सब कुछ या तो इन ई कॉमर्स कंपनियों के पास है फिनटेक कंपनियों के पास है और वो आपस में सब कर रहे हैं सब स्टार्टअप या बिजनेस के नाम पर और वो जब अपराधियों के हाथ में पहुंच जाता है उसका दुरुपयोग होता है ये पहली बात है दूसरी जो बड़ी बात है कि ये जो लेटेस्ट साइबर अपराध के ट्रेंड हुए हैं इनमें कोई अशिक्षित लोग भी नहीं थे प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे एक अलग बात है उन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते थे इसका मतलब उनकी किसी कमज़ोर नब्ज़ का भी इन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनके सर्च इंजन के बारे में ट्रैक किया होगा उनके कुछ पुराने ट्रांजेक्शन्स के बारे में उनके पुराने कंसाइनमेंट के बारे में किया होगा जहां से उनका नाता जब आप ब्लैकमेल करते हैं कोई आदमी किस तरीके से 36 घंटे डिजिटली अरेस्ट हो जाएगा इसका मतलब उसने हो सकता है कि कभी ड्रग्स को ऑनलाइन सर्च किया हो हो सकता है उसके किसी के पास कभी इंटरनेशनल कोई कंसाइनमेंट आया हो कमज़ोर नब्ज़ वालों की प्रोफाइलिंग करके और डिजिटल अपराधी उनको शिकार बना रहे हैं और उसके बाद हम आज तक मेरी जानकारी में नहीं है आपकी जानकारी में कभी आए तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज तक किसी ऐसे बड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा नहीं हुआ कि जो लोग फाइनली इस पैसे के रि, रिसिपेंट हों जिनके पास ये ठगी का पैसा पहुंच रहा हो और ये क्यों नहीं हो सकता है इसका मतलब कि जो रिजर्व बैंक की केवा की के प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है परंपरागत बैंकों में हर तीन साल में के करानी पड़ती है लेकिन ये जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है उसमें हमारी के वाई सी बग़ैर के वाई की चीज़ें हो रही हैं एक नरेगा के खाते वाले के पास दो करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे और बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं चलेगा और उसके बाद वो पैसा निकाल भी लेगा कोई उसको ले भी जाएगा तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि अपराध क्यों हो रहे हैं प्रश्न इस बात का नहीं है कि गलती किसकी है प्रश्न इस बात का है कि अपराध की जो एक क्राइम बनी है उसके डिस्टिनेशन का सेंटर भारत ही है विदेश में पैसा नहीं जा रहा उस पैसे के जुड़े हुए खातों को हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं मुझे लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों की पुलिस और रिजर्व बैंक के सामने एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है नहीं एक सहूलियत भी हो सकती ना विराग जी कि जब आपको लगे कि भैया ये तो मामला सुलटा जा नहीं रहा है ट्रेस हो नहीं रहा है तो फिर एक स्टेटमेंट जारी कर दो कि इसके तार विदेशों से जुड़े हैं बस अब बाकी खत्म आप स्पेकुलेशंस करते रहिए कि चाइना से तार जुड़ गया इससे जुड़ गया कौन जाके चाइना जा, में जाकर दीपक एक जी दी, हाँ। दीपक, दीपक बहुत बड़ी दुखद बात यह है कि 1930 जीरो में कंप्लेंट करने पर कई बार जो ठगी का पैसा है वो ठगों के पास नहीं पहुंचता उस पैसे पर रोक लग जाती है लेकिन चूंकि पुलिस की एफ दर्ज नहीं होती है क्योंकि उसमें ट्रायल नहीं होता है तो वो पैसा लोगों के पास मिलता भी नहीं है माई गॉड आज अगर ठगी के पैसे को वापस लेने के बारे में भी एक उसमें बड़ी समस्या की बात है माई गॉड यानी कि आप तो ठगे गए आपका पैसा चाहे चोर ले गए चाहे सिस्टम ले गया चाहे चोरों ने मार लिया आपका पैसा चाहे सिस्टम ने मार लिया आप तो ठगे गए आप तो तो ये स्थिति है जिम्मेदारी दो तरह से तय होनी चाहिए एक तो मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा। 2013 का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है के एन गोविंदाचार्य मामले पर जिस पर अमल होने से देश में साइबर अपराधों पर बड़े पैमाने पर लगाम लग सकती है और वो ये है कि जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं जितनी भी कुरियर कंपनियां हैं जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं ये सब अपने शिकायत अधिकारी का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी और टोल फ्री नंबर जारी करें अगर किसी को फेडेक्स में प्रॉब्लम है वो तुरंत उसके वेबसाइट में जाकर के पूछे कि क्या हमारा ऐसा कंसाइनमेंट आया है लेकिन कोई कंपनियां उस कानून का आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन नहीं करती हैं उसके बाद केंद्र सरकार तुरंत एक त्वरित लेवल पे जब पूरे देश में डिजिटल इंडिया है एक हेल्पलाइन जारी करके जिससे कि तुरंत उसका समाधान हो सके जितनी तेजी से हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उतनी तेजी से डिजिटल अपराधों का समाधान भी होना चाहिए तभी लोगों को राहत मिलेगी एब्सल्यूटली हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हमें बार बार इस तरह के शोज ना करने पड़े ऐसी सूरत बने कि हम ये कह पाए कि अब कोई नागरिक डिजिटली अरेस्ट नहीं होगा अब किसी नागरिक के साथ फ्रॉड्स नहीं होंगे हालांकि ये एक एक ऐसी कल्पना है जो कभी साकार नहीं हो पाएगी हम जानते हैं लेकिन कम से कम कुछ मामलों में सफलता तो मिले जिनके साथ ठगी हो गई है उनको न्याय तो मिले ताकि आगे की राह प्रशस्त हो यहाँ तो आगे खुआ और पीछे खाई है और क्या एजेंसियाँ करेंगी उनकी दिशा दशा क्या होगी ये भी स्थिति साफ नहीं है इसलिए जिम्मेदारी दो जगह तय हो पहला ऑफ कोर्स एक आम नागरिक को जिम्मेदार बनना होगा जागरूकता के स्तर पर लेकिन सिर्फ नागरिक के ऊपर जागरूकता का ठीकरा फोड़कर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता खुद के गिरेबा में भी झांकना होगा हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को हमारे देश के राजनेताओं को सरकारों में बैठे हुए मंत्रियों को संत्रियों को तमाम नेताओं को और हमारी पुलिस व्यवस्था को यह इस नोट के साथ

कम से कम फ्रॉड से बच सकते हैं विराग जी क्विकली दीपक जी जब कोई गरीब आदमी होता है कुपोषित आदमी होता है तो सरकार उससे ये नहीं बोलती कि आप अच्छा खान पान करिए क्योंकि उसका खान पान करने के लिए सामर्थ्य नहीं है सरकार उसको राशन देती है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है इसी तरीके से जो डिजिटल जो ठगी के शिकार लोग हैं वो उस पूरे सिस्टम के शिकार लोग हैं जो लोग ठग रहे हैं संगठित तौर पर उन अपराधियों का खुलासा होना चाहिए आपके मीडिया चैनल पर बातें होनी चाहिए उसके बाद लोगों का सिस्टम पर भरोसा होगा और उसके उपाय बड़े सीधे हैं और अगर जब तक उन पर कार्रवाई

बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए विराग जी थैंक यू सो मच दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया ये मुहिम आप लोगों के साथ जारी रहेगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता